Children, welcome back in your maths online class. In previous class we have done up to question number 3 word problems. Today we will start with the question number 4. A farmer picked 6820 apples, 3589 peaches and 1733 mangoes from his farm. How many fruits were collected in all? So whenever it is given collected in all, all means sab mila ke. So we will add all these apples, peaches and mangoes, then we will get the amount of fruits collected. So let's have a look how we will write in our copy. So first of all we will write number of apples. Hame kya likhna hai pehle? Number of apples. Okay, to hamare paas number of apples kitne the? 6820. Okay, next was number of peaches. Number of peaches kitne hamare paas? Number of peaches is 3589. Next is number of mangoes. So number of mangoes is 1733. Ab hame kya nikalna hai? Total number of fruits. So when we will total number, then we have to add. So 9 and 3, 12, 1 is carried over. So 2 and 1, 3, 8 and 3, 11, 12, 13, 14 ka yahan pe 4 aya, 1, 8 or 1, 9, 9 or 5, 14, 14 or 7, 21, 21 ka 2 carried kiya, 6 and 2, 8, 8 or 3, 11, 11 or 1, 12, okay. So answer will be total number of fruits 12,142. Okay, now our next question is, at its deepest the Indian Ocean is 7906 meter. यानी जो इंडियन ओशन है, आपके जो ओशंस हैं उनमें जो इंडियन ओशन है उसकी डेप्थ कितनी है? 7906. और जो पैसिफिक ओशन है उसकी है 3088, डीपर देन दैट. यानी इंडियन ओशन की जो डी है उससे जो पैसिफिक ओशन है वो कितना ज़्यादा है? 3088 मीटर. देन सो हाउ डीप इज़ द पैसिफिक ओशन. अब ये कह रहा है कि हमारा जो पैसिफिक ओशन है उसकी डेप्थ कितनी है. जैसे मान लो आपके पास 2 रुपीज़ है, ओके, आपके भैया के पास आपसे 3 ज़्यादा हैं, दैट मीन्स आपके पास कितने? 2 + 3 = 5. ओके, उसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक. तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इंडियन ओशन की, तो इंडियन जो ओशन है उसकी कितनी है? इंडियन ओशन 7906. और जो पैसिफिक ओशन है उससे कितने? पैसिफिक ओशन डीपर बाय कितना डीप है? तो ये है 3088. ओके, अब लिख रहा है कि हाउ डीप इज़ द पैसिफिक ओशन, है ना. सो डेप्थ यानी उसकी जो गहराई है वो कितनी है? डेप्थ ऑफ पैसिफिक ओशन इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें क्योंकि इससे ज़्यादा है. मैंने आपको बताया था ना कि ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन इतना ज़्यादा है, और तो इसका मतलब इसका कितना हुआ इन दोनों को मिलाने पे? तो 6 और 8 कितना होता है? 14. 1 आपने यहाँ पे कैरी किया, 8 और 1 9, 9 और 0 9, और 7 और 3 होता है 10. सो आंसर अगर जब हम लिखेंगे तो आंसर इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ पैसिफिक ओशन इज 10,994. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6. अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 6754 इंक पेन. इतने क्या बनाए? इंक पेन और 3598 बॉल पेन्स, ना, एक महीने में. हाउ मैनी पेन्स डिड द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर इन अ मंथ. तो फैक्ट्री ने एक मंथ में पेन कितने बनाए, यानी इंक पेन भी मिलाने हैं और बॉल पेन भी मिलाने हैं. तो चलिए हम इसको करके देखते हैं. तो हमारे
पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ, कौन से पेन है हमारे पास, इंक पेन्स, नंबर ऑफ इंक पेन्स कितने थे हमारे पास 6754, और नंबर ऑफ बॉल पेन इज इक्वल टू 3598. सो टोटल नंबर ऑफ पेन, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको जो भी नंबर लिखा है वो ज़रूर लिखना है. अगर वहाँ पे पेन लिखा है तो पेन लिखना है, फ्रूट्स लिखा है तो फ्रूट्स लिखना है, और वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं. ओके, देन प्लस का साइन, 4 and 8 12 का 2 1 यहाँ पे गया आपका, तो 10 और 5 की अगर आप इसको करते हैं, 5 और 1 6 and 9 15 का 5 1 यहाँ पे आपका कैरी हुआ, 7 and 1 8 8 और 5 13 का 3 1 यहाँ पे गया, 6 और 1 7 7 और 3 आपका हुआ 10. सो हमारा आंसर कितना है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड जो 10,352 पेंस इन अ मंथ. ओके, तो आपको जब भी वर्ड प्रॉब्लम में आंसर लिखा हो तो क्या लिखेंगे, जो भी लिखा हो जैसे हाउ मैनी पेंस, तो आप लिखोगे हाउ मैनी पेंस डिड द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर इन द मंथ. तो आप इतना भी लिख सकते हो कि 10352 पेंस इन अ मंथ. ओके, तो चिल्ड्रन हम लोगों का ये वाली जो एक्सरसाइज थी, हमारी कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी, 3rd A, ये फिनिश हो गई है, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू.